भारतीय जनता पार्टी के नेता विधान पार्षद जीवन कुमार ने आरा में स्टेशन समीप स्थित कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना संस्थान पर अवैध कब्जा किया। आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए विधान पार्षद जीवन कुमार ने कहा कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा पटना मिलर स्कूल मैदान में भव्य समारोह किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम हेतु भोजपुर जिले के कोइलवर से प्रचार रथ को रवाना किया, जो जिले भर से घूमकर जनमानस को 24 जनवरी को पटना चलने की अपील करेगा। उसी दौरान आरा स्टेशन के समीप स्थित जननायक कर्पूरी आश्रम को देखने पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था। पता करने पर पता चला कि ये आश्रम किसी पार्टी विशेष के कब्जे में है। प्रशासन से बात करने पर सटीक जवाब नहीं मिला, चाबी मांगने पर प्राप्त नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महापुरुषों को सम्मान और जयंती मनाने का कार्य करती है। विधान पार्षद ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर आश्रम को 24 जनवरी से पहले मुक्त किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आरा में आकर कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए तो मालूम चला कि अपराधियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर कर लिया है। अतिक्रमणकारियों ने उस पूरे कैप्चर को कैंपस को कैप्चर करके वहां पर नीचे जो है पेशाब खाना में तब्दील कर दिया और कुछ जो है दूध बिक्री का सेंटर वहां पर लोगों ने कर दिया और ऊपर वहां पर कुछ लोग अपना पर्सनल ऑफिस चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कैंपस कहां पे है? ये स्टेशन रोड के पास है, दुर्गा मंदिर के सामने है। और हम झाड़ू मंगवाए कि वहां पर साफ सफाई करके वहां पर जो है ऊपर चाबी मिल जाएगा तो कम से कम ऊपर ही अपना कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन वहां पर अतिक्रमणकारियों ने इतना पूरी तरह कब्जा कर लिया है कि चाबी देने से भी इनकार कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि हम जननायक कर्पूरी का इस तरह से अपमान करते हैं। जो लोग भी जननायक कर्पूरी का अपमान करने वाले लोग हैं उन पर तुरंत जो है सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले और तुरंत उन पर कार्रवाई करने का काम करे। ये जननायक कर्पूरी का अपमान नहीं है, ये हमारे बिहार का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है। ये जननायक कर्पूरी हमारे केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे और जिन लोगों ने भी उसको कब्जा करने का काम किया है उसको तुरंत सरकार संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम करें। हम सरकार से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम इतने आजादी के इतने लंबे सालों के बाद भी हमें इस बात का तकलीफ हो रहा है कि हम एक मूर्ति का माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं। आज इस तरह की स्थिति बना हुआ है। यूरिनल सेंटर, कुछ लोगों ने यूरिनल सेंटर बना दिया है। ये यूरिनल सेंटर नहीं है, ये जो है उनका अपमान है और इस तरह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आज उन्होंने जो समाज में दिया है उसको हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जो आवाज दिया है हमारे अंदर, एक पिछड़ा समाज के भीतर जो आवाज देने का काम किया है वो देश में, उसी आवाज के कारण हम अपने आप को ऊपर बहाने में कामयाब हो रहे हैं। उस आवाज को हम दबने नहीं देंगे और इसी क्रम में हमने ये पीसी बुलाया कि भाई सरकार तुरंत संज्ञान ले और यदि सरकार संज्ञान इस पर नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जी, पदाधिकारियों से बात हुई आपने? जी, पदाधिकारी से बात हुई। पदाधिकारी ने कहा कि हम इसको देखते हैं। पहले से उन लोगों को संज्ञान में नहीं था? नहीं, पहले से संज्ञान में नहीं था, चाबी लेकर थे। उसके पहले ये नौकरी बांटने का काम कर रहे थे, न बीपीएससी का बहाली का बात कर रहे थे, ये सब फाइलों में दौड़ रहा था और न राजकर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे थे। ये सारी की सारी चीजें बिहार में फाइलों में दौड़ रही थी। 20 साल से रिक्तियां पड़ी हुई थी, लेकिन 20 साल से रिक्तियों को भरने का काम क्यों नहीं किया? और हमने संकल्प लिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर हम एक मोर्चा, एक आंदोलन करेंगे। और जब आंदोलन किया तो हमारे साथी विजय सिंह शहीद हो गए। वहां विजय सिंह हमारे साथी थे, जहानाबाद के, वो शहीद हुए। और सरकार आनंद फानंद में अपने वहां पे हाउस में घोषणा की कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और राजकर्मी का दर्जा देने का जितने भी नियोजित शिक्षक उसका काम करेंगे। और उसके बाद बीपीएससी का भी घोषणा किया कि बीपीएससी के माध्यम से अभ्यर्थियों की बहाली होगी। तो हम लोगों ने जब मार्च किया पूरा पटना के रोड पर और लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मार्च किए और तब जाके आपने फैसला लिया, उसके पहले आपके मुंह पर ताला बंद क्यों था? आपके जवान पर ताला बंद क्यों था? तो कहीं ना कहीं आप जो है घबरा गए कि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया अभ्यर्थियों के लिए, उसके नौकरियों के लिए आंदोलन किया है और तब जाके आप जो है आप नौकरी देने की बात किए हैं। नहीं तो तेजस्वी जी चुनाव जीतने के पहले क्या बोले थे? बोले कि हम जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे और तुरंत हम घोषणा करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे और 10 लाख नौकरियों को देंगे। तो कहां भूल गए थे नौकरी के बारे में? क्यों भूल गए थे? जब हम लोग उनको याद दिलाए कि भाई ये जो है अभ्यर्थियों की मांग है और लंबे समय से मांग है, रिक्तियां 20 साल से चल रही है, आप उनको नौकरी दीजिए, और तब जाके घोषणा किए कि भाई बीपीएससी के माध्यम से हम तुरंत नौकरी देंगे और आनंद फानंद में दिया। तो क्या वो तो उनका दिया वो थोड़े है, वो तो हमारे मांग का दिया। आंकड़ा कौन सही है? आपका आंकड़ा सही है, सरकार का आंकड़ा सही है, मोदी जी का आंकड़ा सही है? देखिए वो आंकड़ा जो है उनका, जो आंकड़ा सरकार के द्वारा जो दिया गया आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा गलत है, आप समझ लीजिए। उसमें और रेक्टिफिकेशन की जरूरत है,
और हमें लगता है कि सरकार को सही सही आंकड़ा पेश करना चाहिए समाज में, ताकि एक सुखद संदेश जाए। पहली बार में जब बहाली हुई थी तो हमारे पुराने ही लोगों को जो 48,000 करीब